हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपके लिए टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपको लर्न बाय हार्ट लर्न नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो आज के ये 20 क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल रट लेना है। टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से 20 क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं जो कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे? अस्थाई पे ध्यान दीजिएगा, अस्थाई सभापति कौन थे? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर सचिनंद सिन्हा और डी महात्मा गांधी। मोस्टली लोगों ने गैस किया होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट ये ऑप्शन गलत है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1986 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी शब्द पर ध्यान देना है। ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी। तो सही ऑप्शन यस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष है ये। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सही ऑप्शन है यस डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष और निर्माता संविधान के हैं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? ठीक है, लागू होना और अंगीकृत होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अंगीकृत शब्द आएगा तो आपको ऑप्शन याद रखना है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949। तो सही ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला डी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? सभी को पता है वैसे, लेकिन फिर से रिव्यू हो जाए। ऑप्शन देखिए एक जैसे ही होते हैं लगभग। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। हाँ जल्दी बता, आप लोग खुद सोचिए क्या हो सकता है और कमेंट भी करिए कि क्या आंसर हो सकता है। 26 जनवरी 1949 नहीं 50। यस, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कौन था? ऑप्शंस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री के एम मुंशी या लास्ट सर बी एन राव। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है सर बी एन राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद
एक में भारत को ही नाम दिया गया है और वो क्या है, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, और लास्ट वन राज्यों का संघ। तो जो हमारा भारत है वो अनुच्छेद एक में राज्यों का संघ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एक सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? व्यापक और सबसे बड़ा लिखित किस देश का है? तो वो ऑब्वियसली हमारा ही देश है। यस, ऑप्शंस कितने भी दिए रहे लेकिन हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए, कोई ऑप्शन की इसमें हमें जरूरत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? मतलब संविधान पहले किसी देश में नहीं होता था, जो सबसे पहले लेके आया वो कौन सा देश था? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड? भारत का नाम तो बहुत बाद में है, लेकिन इन चारों में से कौन है? यस, तो बी वाला आंसर सही है, फ्रांस। फ्रांस जो है सबसे पहले संविधान की अवधारणा को लेके आया था। इसकी कई चीजें हमने भी कॉपी की हैं और देशों ने भी की होंगी। आगे बढ़ते हैं और दसवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नीति निदेशक है वो कहाँ से लिए गए? क्या कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो ऑप्शन जो है डी, नीति निदेशक शब्द आयरलैंड से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान कैसा है? भारत का संविधान है, कैसा कानून है हमारे यहाँ? क्या कठोर है? कठोर तो बिल्कुल नहीं है, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, कैसा होना चाहिए और कैसा है? जी हाँ, लास्ट ऑप्शन आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। आगे नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रथम कानून मंत्री ऑप्शन डी, कानून निर्माता ही हमारे जो थे वो कानून मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 13 लेते हैं, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष पारित किया गया? जो आज हम लोग अभी तक जो हमारा राष्ट्रगान है वो कब भारत में पारित हुआ? उससे पहले हमारा राष्ट्रगान दूसरा हुआ करता था, लेकिन जन गण मन जो आज तक हम लोग जिसको रोज गाते हैं वो कब पारित हुआ? उसका सन क्या 1947 में, 49 में, 50 में, 51 में? सी वाला ऑप्शन सही है, 1950 में, 1950 में पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार। आप लोगों को क्या लगता है? शायद आप लोगों को लग रहा होगा मौलिक अधिकार, मोस्टली बच्चे मौलिक अधिकार ही लगाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन डी सही है, संवैधानिक उपचार का अधिकार को उन्होंने हृदय और आत्मा कहा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन 15 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी संविधान मतलब संशोधन, इतना संशोधन हुआ कि आधा संविधान ही बदल गया,
मिनी संशोधन हो गया, वो मिनी संविधान ही हो गया। तो सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में, या 24वां 1971 में, 42वां 76 में, या 44वां 78 में। तो सही ऑप्शन है यस 42वां 1976 में, जो मिनी संविधान माना जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 17 पर पहुंचते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शंस इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट ऑप्शन इज बी, यूएस से ली गई है। नेक्स्ट एंड 18, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? जो मूलभूत अधिकार है हमारे, वो किस संविधान से? क्या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूके के, सोवियत संघ और आयरलैंड? सो द राइट आंसर इज ए, अमेरिका की संविधान से। आगे बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन पर, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? सातवां संशोधन 1956, 42 संशोधन 1976, 44 संशोधन 1978, या 52 संशोधन 1985? तो 42वें संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करें और अपने कमेंट्स हम लोग को जरूर बताते रहें। लास्ट क्वेश्चन, अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? छुआछूत अस्पष्टता का अंत 17, 24, 19A, या इनमें से कोई नहीं? सो राइट आंसर इज 17 अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता का अंत कर दिया गया है। Thank you students, please like and share and subscribe.